फ्रेंड्स, मैं प्रिया शर्मा हेल्दी बाइट्स पे आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाएंगे खट्टी मीठी कच्चे आम की लौंजी। तो हम इसे लौंजी भी बोलते हैं, कई लोग इसको आंबे की सब्जी भी बोलते हैं, कोई इसे खटाई भी बोलता है। तो इसके लिए मैंने आधे किलो कच्चे आम को धोकर और अब हम इसे छील लेंगे। इस आंबे की सब्जी को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं और इससे जो है हमारा खाना बहुत अच्छे से पचता है, तो ये सब्ज़ी बहुत फ़ायदेमंद होती है। देखिए, अब कच्चे आम को छीलने के बाद हम इसकी इस तरह से काट लेंगे। देखिए, ये जो गुठली है ये कड़वी होती है, तो हमें इसे बिल्कुल निकाल देना है, नहीं तो जो हमारी सब्जी का टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। और जो आंबे के अंदर गुठली बन जाती है उसका तो मैं साइड वाला पार्ट निकाल लेती हूँ और वो गुठली मैं सब्ज़ी के अंदर ही डालती हूँ, क्योंकि जब सब्ज़ी खाते हैं तो वो बहुत टेस्टी लगती है, उसे बिल्कुल आम की तरह चूस चूस के खाते हैं। कई लोग इसको बिल्कुल सूखा चटनी जैसा बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा पानी वाली इसको बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ रोटी भिगोकर खाते हैं इसके अंदर। तो यहाँ कढ़ाई में लिया है 2 चम्मच तेल और उसमें डाला है मैंने मेथी दाना और हींग। सिर्फ इसका मेथी दाना और हींग में ही तड़का लगेगा और ऑयल भी इसमें हमें बहुत कम डालना चाहिए, क्योंकि वो सब्ज़ी के ऊपर आता है तो अच्छा नहीं लगता। तो हम एक भाप इसको ऐसे ही लगा देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। आप चाहें तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और अब यहाँ डालेंगे हल्दी और नमक, बाकी मसाले हमें इसमें बाद में डालने हैं। अब हम इसे ढक के उबलने देंगे, क्योंकि जो खट्टी आंबी होती है वो बहुत जल्दी गल जाती है। तो देखिए, उबलने के बाद मैंने इसमें डाला है 150 ग्राम गुड़। मीठा भी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब ये जब गुड़ अच्छे से इसके अंदर पक जाएगा, अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले, क्योंकि उसका जो टेस्ट बाद में खुशबू आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पे डालेंगे सौंफ का पाउडर और साथ में डालेंगे धनिया, लाल मिर्ची पाउडर, और फिर हम इसे थोड़ा सा पकने देंगे। और अब बाद में इसमें डालेंगे लाल मिर्च काश्मीरी वाली और थोड़ा सा काला नमक। काले नमक का जो टेस्ट है वो इस सब्ज़ी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। देखिए, हमारी खट्टी मीठी चटपटी आंबे की लौंजी बनकर तैयार है। और यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।